बम्बिहा गैंग के खतरनाक शूटर नीरज चस्का लॉरेंस गैंग के निशाने पर था और लॉरेंस गोल्डी के शूटर उसके फील्डिंग बिछाने में लगे हुए थे, लेकिन वो इस वारदात को अंजाम दे पाते इससे पहले ही पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। साथ ही इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि बम्बिहा गैंग का नीरज चस्का, जिसने गोल्डी बराड़ के भाई को मौत के घाट उतार दिया था, उसके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं और इन फरारी के सालों में उसने लॉरेंस गैंग के किन किन बदमाशों की हत्याएं की। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ जारी जंग में जम्मू से बम्बिहा गैंग के टॉप मोस्ट वांटेड शूटर नीरज चस्का को गिरफ्तार कर लिया। पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने कहा है कि नीरज चस्का सोपो अध्यक्ष गुरलाल बराड़ की सनसनीखेज हत्या समेत कई हत्याओं में संलिप्त था। उन्होंने ये भी कहा कि कनाडा स्थित गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के करीबी रिश्तेदार गुरलाल बराड़ की हत्या ने बम्बिहा गैंग और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बीच गैंग वॉर को जन्म दिया, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी कई हत्याएं हुई। गुरलाल बराड़ की अक्टूबर 2020 में चंडीगढ़ के एक नाइट क्लब के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार किया गया गैंगस्टर नीरज उर्फ चस्का, जो फरीदकोट के जैतो का रहने वाला है, बम्बिहा गैंग का मुख्य शूटर है, जिसे विदेशी वांछित गैंगस्टर गौरव उर्फ लकी पटियाल द्वारा चलाया जा रहा है। सितंबर 2016 में पंजाब पुलिस ने गैंग के सरगना देवेंद्र बम्बिहा को एक एनकाउंटर में मार गिराया था, जिसके बाद उसकी गैंग को लकी पटियाल चला रहा है। नीरज चस्का 2019 से फरार था। डीजीपी ने कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर चल रहे अभियान में पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की एक टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर जम्मू के सांबा जिले से नीरज चस्का को गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके पास से 0.30 कैलिबर और 0.32 कैलिबर समेत दो विदेशी निर्मित पिस्तौल, जिसके साथ 17 जिंदा कारतूस बरामद किया। उन्होंने ये भी कहा कि गुरलाल की हत्या के अलावा नीरज कम से कम 4 और हत्याओं में सीधे तौर पर शामिल है, जिसमें अगस्त 2019 में फिरोजपुर के जेल में बंद आमना जैतो के निर्देश पर फरीदकोट जिले के जैतो शहर में मारे गए कबड्डी खिलाड़ी मनी की हत्या और दोहरा हत्याकांड, जिसमें मार्च 2021 में अंबाला में प्रदीप उर्फ पांजा और राहुल की हत्या कर दी गई थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि नीरज चस्का ने अपने साथियों के साथ मार्च 2020 में चंडीगढ़ के सेक्टर 38 में सुरजीत बाउंसर की भी हत्या की थी, जिसके बाद देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने फेसबुक पर हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया था कि बाउंसर अमित शर्मा की साकेड़ी में की गई हत्या का बदला लेने के लिए सुरजीत बाउंसर की हत्या की गई थी। उन्होंने कहा कि आगे की जाँच और नीरज चस्का से पूछताछ से बम्बिहा गैंग और उसकी गतिविधियों और योजनाओं का खुलासा हो पाएगा। पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार लॉरेंस बिश्नोई और उसके कई सहायकों से पूछताछ में यह भी मालूम चला है कि गुरलाल बराड़ की हत्या में शामिल होने की वजह से नीरज उर्फ चस्का लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर था, लेकिन समय रहते पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।